हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फोर्थ मैथ्स। इन टुडेज क्लास वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। इसको सेल्फ करना है। मैं खाली एक्सप्लेन करूँगी, आपको सेल्फ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि प्रीडिसेसर मीन्स माइनस वन करना है और सक्सेसर मीन्स प्लस वन करना है। तो जैसे ये नंबर मैं ले लेती हूँ, अगर इसका प्रीडिसेसर हमें बनाना है तो प्रीडिसेसर क्या आएगा, 3 4 0 0 2 4, क्योंकि हमने क्या कर दिया, माइनस वन कर दिया 5 में से। अब सक्सेसर बनाना है तो 3 4 0 0 2 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 1 प्लस कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपको सारे पार्ट्स करने हैं फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, पहले तो वो आपको बताना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 9 9 9 9 9। अब इसका सक्सेसर निकालना है तो प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा 1 प्लस 9 0 10 आ गया। तो फिर अगेन 0 0 0 5 टाइम्स वी हैव 0, देन 6 टाइम में 10। ठीक है, स्मॉलेस्ट, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट दिस वन 1 0 0 0 0 0, दिस वन इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसमें से माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे 5 टाइम्स 9, यानी बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, देन लेस देन ग्रेटर देन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यू कंपेयर फर्स्ट डिजिट 1 4, विच इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर, लाइक दिस यू शुड डन इट। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसमें हमें डिजिट्स को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6, हियर 6 डिजिट्स, हियर 1 2 3 4 5, ओनली 5 डिजिट्स, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ 9 1 1 और 9 में कौन ग्रेटर है, 9, 6 6 1 1 7 7 3 3 2 2 5 5, बोथ साइड्स आर सेम सो हियर इक्वल टू साइन। ऐसे ही आपको ये वाली साइड के कंपेयर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर और प्रीडिसेसर टू फिल द इन द ब्लैंक्स। इसमें आगे के नंबर खाली हैं तो इसमें सक्सेसर आएंगे, क्या आएंगे, सक्सेसर्स 53 416 की जगह पे आ जाएंगे 17 418 85,000 3,419। ये तो सक्सेसर है ना। अब प्रीडिसेसर के लिए बैक साइड से हम चलेंगे, 2,234,521 की जगह पे 20, सेम हमें फिल करना है, 20 की जगह क्या आ जाएगा 19। बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है हमारी, कौन सी काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। तो सक्सेसर के लिए हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, और बैकवर्ड काउंटिंग हम प्रीडिसेसर के लिए कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये आप सेल्फ कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको आपको जमा के लिखना है, ठीक है, अरेंज करना है सारे नंबर्स को। सो डू दिस एक्सरसाइज 1.2 इन द डेट 28। थैंक यू।